नमो नमः। लौटते समय ये दृश्य मेरी स्मृति में रहेंगे। लौटते समय कहाँ? लौटते समय द्वारका पार्थ। आप द्वारका लौट जाएंगे? किंतु क्या करूं, इस बार अधिक समय तक द्वारका से बाहर रह गया हूं। अतः द्वारका लौटना आवश्यक है। हाँ, आवश्यक तो है ही। द्वारका में आपकी 8 पटरानियां एवं 16,000 उपपत्नियां जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। सत्य कहा तुमने सखा। वासुदेव, यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न कर सकती हूँ? अवश्य द्रौपदी। आपको 16,000 पत्नियों की आवश्यकता क्यों पड़ी? वासुदेव, आपने इतनी सारी कन्याओं से क्यों विवाह किया? जीवन में कई ऐसे क्षण एवं परिस्थितियां आती हैं जब हमें काल एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय करना होता है। वो क्या परिस्थिति थी वासुदेव? परिस्थिति का कारण था नरकासुर। नरकासुर नाम का एक दैत्य था। उसने 16,000 कन्याओं का अपहरण कर उन्हें अपने यहां बंदी बना रखा था। एवं उन बंदी कन्याओं पर वो शोषण एवं अत्याचार करता था।
नरकासुर के अत्याचार का संदेश मुझे मिला एवं मैं उन कन्याओं की रक्षा हेतु वहां पहुंच गया। नरकासुर, बहुत हुआ तेरा अत्याचार, छोड़ दे इन कन्याओं को। मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, ये मेरी बंदी है और बंदियों को छोड़ा नहीं जाता, उनका भोग किया जाता है। मूर्ख, तुझे अंतिम चेतावनी देता हूँ। तू चेतावनी देता रहे तब तक मैं इनका भोग करके आता हूं। आज से ये 16,000 कन्याएं 16,000 कन्याएं द्वारका की रानी हूं। मूर्ख, तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं। तू चेतावनी देता रहे तब तक मैं इनका भोग करके आता हूं। सभी स्वतंत्र हो जाओ, जाकर शेष कन्याओं को भी बंदी गृह से मुक्त करा लाओ एवं अपने गांव घर चली जाओ।
नरकासुर के बंदी गृह से मुक्त होकर वो कन्याएं आनंद एवं उमंग में झूमती अपने परिवार से मिलने को आतुर गांव की ओर बढ़ रही थी। पिताजी, बाबा। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि काल एवं परिस्थिति किसी और रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तुम लोग वापस क्यों आ गई? अरे आत्महत्या क्यों नहीं कर लिया? हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। ग्रामवासियों, ये कन्याएं अपवित्र हैं। माना इनकी इच्छा के विरुद्ध नरकासुर ने इन्हें बंदी बनाया, किंतु उसके यहां बंदी रहकर किशोरावस्था में एक पुरुष के साथ रहने के कारण ये अपवित्र हो चुकी हैं। इसलिए इन्हें अपने परिवार एवं गांव में हम स्वीकार नहीं कर सकते। इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। आत्महत्या इनकी नियत है। हुआ तुम सभी अपने गांव वापस नहीं गई? प्रभु, आपने हमें नरकासुर के विपता से तो मुक्ति दिला दी, किंतु अब हम सब एक नई विपता में पड़ गई हैं। हे गोविंद, हमारे परिवार एवं गांव वालों ने हमें अस्वीकृत कर दिया है। उनके अनुसार हम नरकासुर के बंदी होने के कारण अपवित्र हो चुके हैं। अब हमारे परिवार वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। ये कैसी मूर्खता है? लोग इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? नरकासुर ने तुम लोगों को बंदी बनाया, इसमें तुम लोगों का क्या दोष? आप सत्य कहते हैं मुरलीधर, किंतु ये भी एक सत्य है कि अब हम सब अपने गांव परिवार वापस नहीं जा सकते। आज से ये 16,000 कन्याएं, 16,000 कन्याएं द्वारका की रानी, द्वारका की रानी हूं।
चिंता मत करो भ्राता, पूरे राज्य के कुंवारे युवक, बुद्धिजीवी एवं संपन्न घराने के लोगों को निमंत्रण भेजिए। इन कन्याओं का विवाह हम करवाएंगे। एक समाज तब तक उन्नत समाज नहीं बन सकता जब तक कि लोग अपनी रूढ़िवादी एवं महिला विरोधी सोच ना बदलें। गोविंद, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके लिए प्राण दे सकते हैं, किंतु आप हमें किस चीज का दंड दे रहे हैं? हम इन अशुद्ध पतित कन्याओं से विवाह नहीं कर सकते, इससे हमारा कुल एवं धर्म भ्रष्ट होगा। एवं इनसे विवाह कैसे संभव है? अर्थात इनसे विवाह अधर्म होगा एवं ये समाज के नियम के विरुद्ध है। समाज के नियम एवं धर्म मनुष्य की सुविधा एवं कल्याण के लिए होते हैं, उन्हें प्रताड़ित अथवा दंड देने के लिए नहीं। क्षमा करिए द्वारकाधीश, आप हमारे प्राण ले लीजिए, किंतु हमसे विवाह नहीं हो पाएगा। हम असमर्थ हैं, हमें पाप में भागी ना बनाए, क्षमा करें गोविंद। दुखद है, अत्यंत दुखद है यह, यदि समाज का संपन्न एवं बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा व्यवहार करेगा, असहाय एवं पीड़ित लोगों से भेदभाव रखेगा, तो समाज का कल्याण कैसे होगा? ये स्वयं को बुद्धिजीवी एवं संपन्न कहते हैं, किंतु इन्हें तो इतना भी ज्ञात नहीं कि महिला का सम्मान ही सर्वश्रेष्ठ आचरण है एवं काल परिस्थिति के अनुसार धर्म अधर्म में अंतर किया जाता है। शांत हो जाओ प्रेम, चिंता की आवश्यकता नहीं है। इन कन्याओं के लिए हम छत, भोजन एवं वस्त्र की व्यवस्था कर देंगे। छत, भोजन एवं वस्त्र, क्या एक स्त्री को केवल छत, भोजन एवं वस्त्र चाहिए? क्या उसके आत्मसम्मान, उसकी स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं? सत्य कह रही हो द्रौपदी, हम तुमसे सहमत हैं। उन कन्याओं ने भी हमसे कुछ ऐसा ही कहा था। छत, भोजन एवं वस्त्र तो हमें नरकासुर के यहाँ भी प्राप्त हो रहे थे, किंतु सम्मान एवं स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं। नरकासुर बंदी से तो आपने हमें मुक्ति दिला दी प्रभु, किंतु अभी भी हमें वास्तविक मुक्ति नहीं मिली प्रभु। नरकासुर की बंदी का कलंक अभी भी हमें बेड़ी बन के जकड़ा हुआ है प्रभु। हमारे घर वाले
हमारा तिरस्कार कर चुके हैं। हमें वास्तविक मुक्ति दिलाइए वासुदेव। प्रभु कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए कि छत वस्त्र और भोजन के अतिरिक्त हम पतित पीड़ितों को भी सम्मान एवं एक सामान्य स्त्री की तरह अधिकार प्राप्त हो सके। तुम सभी पतित नहीं पावन हो। तुम्हें एक सामान्य स्त्री का नहीं एक रानी का अधिकार मिलेगा। मैं द्वारकाधीश द्वारकाधीश कृष्ण कृष्ण आप सबके समक्ष इन सभी कन्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ आज से 16,000 कन्याएं द्वारका की रानी अतः राजमहल में इन सभी का भवन बने एवं इन्हें एक रानी का सम्मान एवं अधिकार प्राप्त अर्जुन, पांडवों का संघर्ष एवं चुनौती इंद्रप्रस्थ के साथ समाप्त नहीं हुआ। इससे बड़ा संघर्ष एवं चुनौती अभी आने वाली है, अर्थात हस्तिनापुर की ईर्ष्या इंद्रप्रस्थ में अशांति का कारण बनी।